नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर। भाइयों, आज मेरी विजिट है तिहाड़ जेल में। विजिट मतलब वकालतनामा साइन कराने जाना है और भी कुछ काम है तिहाड़ जेल में। तो बस मैं निकल पड़ा हूँ घर से और धौला कुआं पहुँच गया। थोड़ी देर में तिहाड़ पहुँच जाऊँगा क्योंकि टाइम जो है वहाँ पे मिलने का 3 से 3:30 बजे का है। तो बस निकल पड़े हैं। तो हम रास्ते में हैं भाइयों, अभी है धौला कुआं और अब यहाँ से सीधा लेंगे अपना तिहाड़, जो आपका तिलक नगर की तरफ है तिहाड़। एक छोटी सी विजिट है, एक लीगल मीटिंग करनी है, एक वकालतनामा साइन कराना है मेरे क्लाइंट से। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा विजिट टू तिहाड़ जेल की ट्रिप बना दूँ। तो बस निकल पड़े हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं तिहाड़ जेल। ये फ्लावर उतरते ही लेफ्ट में आपका गेट है तिहाड़ का। जो जनरल पब्लिक आई थिंक कोविड के बाद से उनकी मीटिंग तो बंद है, बट एडवोकेट्स लीगल मीटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो तिहाड़ जेल मेरे लेफ्ट में आ गया है। तो ये जो इनका मेन गेट है, बट मैं इससे एंट्री नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने एंट्री करी थी। यहाँ पर जैसा कि लिखा भी हुआ है 1, 3, 5, 6, 7, 8 मुझे जाना है जेल नंबर 4 में। तो जेल नंबर 4 के लिए यहाँ से एडवोकेट की अदरवाइज एंट्री होती है। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हो, यहाँ से एडवोकेट की एंट्री होती है, बट मुझे जाना है जेल नंबर 4 में। तो जेल नंबर 4 और 2 के लिए आप गेट नंबर 4 से जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। अदरवाइज़ तो मतलब लास्ट टाइम मैं 1.5-2 किलोमीटर चलाते, सारा तिहाड़ है। ये कोई पोएम नहीं, क्या कविता लिखी हुई है, ये सब तिहाड़ है। तिहाड़ हुनर हाट और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम बड़ा परेशान हुआ था जब अंदर गया था, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। तो इस बारी मैंने डिसाइड करा कि मैं गेट नंबर 4 से एंट्री करूँगा। तो दोस्तों मैं पहुँच गया गेट नंबर 4 पे। अब यहीं पे गाड़ी कहीं पार्क करके फिर मैं अंदर जाऊँगा। अंदर फ़ोन तो एक्चुअल में अलाउड है नहीं, मतलब अंदर तक तो अलाउड है, उसके बाद अंदर ले जाने में चिकचिकबाजी होती है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया तिहाड़ जेल गेट नंबर 4 पे, क्योंकि मुझे जेल नंबर 4 के अंदर जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मेन गेट है वहाँ पे आपका 1, 3, 6, 7, 8, 9 4 और 2 के लिए आपको इस पीछे वाले गेट से आना पड़ता है। तो मैं गेट नंबर 4 पे आ गया। अब अंदर फ़ोन अलाउड है, बट मेन जो लीगल मीटिंग है वहाँ तो फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बस मैं फ़ोन गेट के अंदर से ले जा सकता हूँ अपना आई कार्ड दिखा के, एंड देन बाकी अंदर बनाता रहता हूँ, वीडियो बताता रहूँगा आपको बना। तो दोस्तों मैं पहुँच गया जेल नंबर 4 के बाहर और अभी अपना मीटिंग के लिए एप्लीकेशन दे दी है। देखो कितनी देर में बुलाएंगे, वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। इस गेट से अंदर फ़ोन तो अलाउड है नहीं, तो बस इस गेट पे अपना फ़ोन जमा करेंगे और अंदर जाएंगे। बाकी जो हुआ या आगे जो मैं बता रहा था कुछ अपने वकील भाइयों के लिए कि लीगल मीटिंग करने आए या वकालतनामा साइन कराने आए तो किन बातों का ध्यान रखें, वो बताएंगे वीडियो के मतलब मीटिंग के बाद। ठीक है दोस्तों, इस गेट से आगे अलाउड नहीं। ये अपना वेटिंग एरिया, और भी मेरे वकील भाई खड़े हैं, बस अब वेट करेंगे, 4-5 बजे तक नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं निकल गया तिहाड़ से बाहर। अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। मेरा वकालतनामा तो साइन हो गया बट लीगल मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि जो मेरा क्लाइंट है उसको क्वारंटीन किया हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया था लीगल मीटिंग के लिए, बट मीटिंग उन्होंने कैंसिल कर दी थी, नेक्स्ट वीक के लिए कहा था। अब उन्होंने कहा है कि वो क्वारंटीन है एटलीस्ट फॉर 14-15 डेज, तो मीटिंग तो हो नहीं पाई। अब मैं आपको बताऊंगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वकालतनामा अगर आपको साइन कराना हो, जो मेरे न्यू कमर्स एडवोकेट्स भाई हैं उनके लिए स्पेशली, आप वकालतनामा भर के ला सकते हो। वकालतनामा अगर आपका जो क्लाइंट है वो जेसी में है, जैसा कि मतलब जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो उस केस में आपको कोर्ट फीस या वेलफेयर टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लीगल मीटिंग करना चाहते हो क्लाइंट के साथ, तो आपको जो मेरे न्यू कमर्स भाई है बेसिकली उन्हीं के लिए, क्योंकि मैं भी भुगत चुका हूँ एक बार,
अगर आप लीगल मीटिंग करना चाहते हो तो सुपरिटेंडेंट के को आप एक एप्लीकेशन दोगे, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दोगे कि आपकी आपके क्लाइंट से मीटिंग कराई जाए, और उसके साथ आप अपने आई कार्ड की फोटोकॉपी लगाओगे। क्योंकि ज़्यादातर मेरे एडवोकेट भाई क्या करते हैं कि एप्लीकेशन तो तुरंत लिख लेते हैं, बट उनके पास अपने आई कार्ड की फोटोकॉपी नहीं होती, और उस आई कार्ड की फोटोकॉपी के बिना ये लोग मीटिंग नहीं करने देते। तो याद रखना है, अगर आपको वकालतनामा साइन कराना है तो टाइमिंग है 3 से 3:30 फॉर एडवोकेट्स। वकालतनामा आप पूरा भर के ला सकते हो, कोई भी वेलफेयर या कोई भी कोर्ट फी उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लीगल मीटिंग के लिए आप सुपरिटेंडेंट को एक एप्लीकेशन लिख सकते हो, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर मीटिंग, और आप मीटिंग उस एप्लीकेशन के साथ अपना कोई भी कोर्ट का कार्ड, चाहे आपका दिल्ली बार का हो, चाहे आपका आपकी कंसर्न कोर्ट का आई कार्ड हो, आप वो लगा सकते हो, आपकी मीटिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विजिट टू तिहाड़ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो, ताकि और भी मेरे एडवोकेट्स भाई को पता लगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, या किस तरीके से आप तिहाड़ में जाते हो और किस तरीके से आप वकालतनामा साइन कराते हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में वो भी पूछ सकते हो। फिर आऊँगा आपके सामने कोई ऐसी वीडियो लेके। बाय।